अब जो अपने हाइड्रोजन परमाणु की जो श्रेणी आई थी, लाइमन, बामर, पासन, ब्रेकिट, फुंड, इन सभी श्रेणियों की हमें तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। तो क्योंकि तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो उसकी वेवलेंथ है, वो कौन से क्षेत्र में वो तरंग दैर्ध्य आती है, यानी कि दृश्य क्षेत्र में आती है कि पराबैंगनी क्षेत्र में आती है, वो तरंग दैर्ध्य निकालने के बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लाइमन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य। सबसे पहले आती है लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, देखना ये वैज्ञानिकों के नाम पर है सारी की सारी श्रेणियां, लाइमन श्रेणी। देखना लाइमन श्रेणी में क्या होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें देखना हमें एक तो उच्चतम तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है और एक अधिकतम तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए, तो देखना हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में, यानी कि N1 बराबर कितना आएगा, 1, और N2 बराबर, यानी N2 तो हमें पता उच्च ऊर्जा स्तर है, 1 के बाद में सारे के सारे उच्च ऊर्जा स्तर ही हैं, 2, 3, 4, 5 आगे तो कुछ भी हो सकता है। अब देना इसकी तरंग दैर्ध्य में निकालनी है, तो फॉर्मूला में पता है 1/λ बराबर आर 1/N1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर, ठीक है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए निकाल रहे हैं 1/λ, ये आ गया आर, 1/N1 की स्क्वायर, N1 का मान लेंगे 1 की स्क्वायर माइनस N2 की स्क्वायर, यानी कि 2 की स्क्वायर। अब देना 1/λ ये हो गया आर, ये 1/1 माइनस ये हो गया 4, तो 1/λ इसका हम लघुत्तम लेंगे 4, तो 4 माइनस 3/4 ये है ऊपर आर। अगर इसको हम लेमडा बराबर करेंगे तो लेमडा बराबर है वो उल्टे हो जाएंगे 4/3 आर। अब देखना आर का मान हमें पता है, वो आर का मान यहां पर रखते ही तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। आर का मान है 1.097 × 10^7। या भी देखना आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, आप ये मान याद रख लेना, जो 1/r है उसका मान 912 होता है, 912 या फिर 911 इसके लगभग में होता है, चाहे 912 करके कर लेना या फिर 911 करके कर लेना, उससे भी देखना जो तरंग दैर्ध्य रहेगी वो भी सही आएगी, या फिर आप आर का मान वो 1.097 वाला भी रख सकते हो, उससे भी आ जाएगा। तो देखना लेमडा बराबर 4/3। अब जो 1/r है उसकी जगह मैं रख रहा हूं 912, इसको देखना कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 3 × 3 = 9, 0 और 3 × 4 = 12, तो लेमडा बराबर वो कितना आएगा, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12 एंगस्ट्रॉम। जो उच्चतम तरंग दैर्ध्य आई है वो कितने आएगी, 1216 एंगस्ट्रॉम। तो देखना जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए तरंग दैर्ध्य अपनी आ गई 1216 एंगस्ट्रॉम। अब हम निकालेंगे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, तो देखना न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए क्या करेंगे, N1 का मान 1 और N2 का मान इन्फिनिटी, तो इससे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य आ जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है 1/λ बराबर और 1/N1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर, तो 1/λ ये हो गया और 1/N1 यानी कि 1² − 1/∞ इसका मान होता 0, तो 1/λ बराबर सिर्फ कितना बचेगा, 1/r, अगर लेमडा बराबर करोगे तो 1/r, और 1/r का मान मैंने आपको बता दिया है 912 एंगस्ट्रॉम। यह है मिनिमम इसकी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। अधिकतम तरंग दैर्ध्य आती है 1216,
और न्यूनतम आएगी 912 एंगस्ट्रॉम। अब देना लाइमन श्रेणी हो गई है, जो दूसरी श्रेणी आती है वो होती है बामर श्रेणी। तो यहां पर आप हेडिंग लगा लेना है बामर श्रेणी। तो देखना इसमें क्या है कि जब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम की जगह यहां पर लिख देना है द्वितीय ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, बामर श्रेणी। यहां पर N1 का मान होगा कितना आएगा 2 और N2 का मान आएगा 3, 4, 5 आगे तक है वो चलता जाएगा। अब इसमें भी अधिकतम तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे, अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए, अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए N1 का मान रखेंगे 2, N2 का मान रखेंगे 3, 4 कुछ भी रख सकते हो, अधिकतम के निकाल निकाल रहे हैं तो N2 का मान 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6। तो हमने सिर्फ एक मान निकाल लेते हैं बस, और जो मान आएगा वो उसके 4 पे रखोगे तो उसके लगभग में आता जाएगा। तो N1 बराबर 2, N2 बराबर 3, तरंग दैर्ध्य 1/λ बराबर आर 1/N1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर। अब 1/λ ये हो गया आर, 1/N1 की स्क्वायर तो 1/4 माइनस ये हो जाएगा 9। तो 1/λ बराबर ये आर, लघुत्तम आ गया इसका 36, ये 4 × 36 9 और 9 × 36 ये हो गया 5। तो 1/λ बराबर आर, ये ऊपर बचा है 4/4 × 36 4 आएगा यहाँ पर 4, ऊपर बचेगा 5 और यहाँ पर है 36, यानी कि 1/λ बराबर आ गया 5/4/36। अगर लेमडा बराबर करोगे तो 36/5 आर, तो लेमडा बराबर 36/5 और 1/r का मान हमें पता ही है कितना होता है 912। इसको सरल करेंगे तो जो लेमडा है वो अधिकतम हो वो कितना आएगा 65-66 के लगभग में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, या फिर देखना 65-66 भी हो सकता है, 65-63 भी हो सकता है। तो आप जो इससे कैलकुलेशन करोगे वो 65-66 ही आएगा। अगर आर का मान ये रखोगे 1.097 × 10^7 तो आएगा 65-63 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो अपनी अधिकतम तरंग दैर्ध्य है वो कितनी आई है 65-66 एंगस्ट्रॉम। या फिर अगर आर का मान अब जो रिडबर्ग नियतांक वाला लेके करोगे 1.097 × 10^7 तो लगभग में 65-63 देखना इसके लगभग में आएगी, उसमें कोई समस्या है नहीं। तो आप आर का मान से ये याद रख लेना 912 या फिर 911 से कर लेना। अब न्यूनतम तरंग धैर्य के लिए, न्यूनतम तरंग धैर्य के लिए, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए तो देखना न्यूनतम तरंग दैर्ध्य N1 का मान तो 2 ही रहेगा और N2 का मान अनंत। फॉर्मूला 1/λ बराबर होता है R, 1/N1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर। तो 1/λ बराबर है R, ये 1/2 की स्क्वायर ये हो जाएगा इन्फिनिटी की स्क्वायर। तो 1/λ बराबर ये अपने पास आएगा आर बट्टा 2 × 2 हो गए 4। तो 1/λ बराबर है ये हो जाएगा, सॉरी लेमडा बराबर है 4/r और हमें पता है 1/r का मान है लगभग 912। तो इसको हम गुणा कर लेंगे 4×4 × 8 और 4×1 = 4 9×36 तो यह आएगा 3648 एंगस्ट्रॉम जो न्यूनतम तरंग धरे। देखना ये बामर श्रेणी हो गई है। अब जो तीसरी श्रेणी है वो है पास्सन श्रेणी। तो देखना जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, पास्सन। तो इसमें N1 का मान रखेंगे 3 और N2 का मान रखेंगे 4, 5, 6 आगे तक। अब इसमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए गणना करेंगे, अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए। तो देखना अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला हमें पता है 1/λ बराबर होता है आर, 1/N1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल टू आर, 1/N1 का मान है तो 3 हो जाएगा 9 माइनस ये 4 × 16 तो 1/λ ये हो गया आर,
और इसका लघुत्तम आ गया 144। अब देखना 144 में आप 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 छिका 54, कितना आ गया 16 माइनस का कितना 9। अब देखना 1/λ बराबर, अब 16 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 7, तो 7r/144। अब देखना आगे 1/λ बराबर करेंगे तो 144/7r, तो लेमडा बराबर 144/7 और 1/r का मान हमें पता है 912। अब देखना आगे, तो ये लेमडा बराबर कितना जाएगा 18761 एंगस्ट्रोम। ये फिर आपको किताब में यह भी देखने को मिल सकता है 18751 एंगस्ट्रोम। तो आप इन दोनों में से कुछ भी कर देना चाहिए, अगर आप रेड बर्ग नियतांक का मान रखोगे तो इसके लगभग में आएगा, अगर ये मान रखोगे 912 वाला तो आएगा 18761.1। तो ये इसकी अधिकतम तरंग धरे, अब इसी प्रकार न्यूनतम तरंग धरे की गणना करेंगे। तो अधिकतम तरंग धैर्य के आ गया 18761 एंगस्ट्रोम। अब निकालेंगे न्यूनतम तरंग धैर्य के लिए, फॉर्मूला होता है 1/λ = r, 1/(n1)² - 1/(n2)² तो 1/λ ये हो गया r, 1/(3)² - ये ∞² तो 1/λ बराबर ये हो जाएगा r / 3 हो गए 9। अगर आप लेमडा बराबर करोगे तो 9/r और 1/r का मान हमें पता है 912, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9 और 1 = 10, 9 × 1 = 81 और 1 = 82। तो ये आपके पास आएगा 8208 एंगस्ट्रोम। इसके आगे है न्यूनतम तरंग धैर्य। अब देखना जो अगली चौथी श्रेणी है वो है ब्रैकेट श्रेणी, यानी कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर चौथी ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। तो n1 = 4, n2 = 5 से 7 कुछ भी हो सकता है इसमें। अब देखना अधिकतम तरंग धैर्य के लिए, तो n1 = 4, n2 = 5, तो फॉर्मूला है 1/λ = r, 1/(n1)²-1/(n2)², तो 1/λ ये आ गया r, n1² यानी कि 4² = 16, 5² = 25, तो 1/λ इसका लघुत्तम कितना आ गया 400, ऊपर कितना बचेगा ये इसको भाग देंगे तो 16 × 32 = 25 माइनस कितना बच जाएगा 25 × 25 और 15 = 16। अब देखना कि 1/λ बराबर ये आपके पास बच गया है 16 × 4 = 20, 9 r/400 और लेमडा बराबर करोगे तो 400/9r और लेमडा बराबर 400/9×912। अगर हम इसको सरल करेंगे तो अपना मान कितना आएगा 40, इसको सरल करेंगे तो आएगा 40533 एंगस्ट्रोम। ये आपकी अधिकतम तरंग धैर्य आ गई है। तो देखना अधिकतम तरंग धैर्य आगे है, लेमडा मैक्सिमम है वो 40533 एंगस्ट्रोम। अब न्यूनतम तरंग धैर्य के लिए न्यूनतम, और देखना कैलकुलेशन आप अच्छे से घर पे कर भी सकते हो, न्यूनतम तरंग धैर्य के लिए इसको एक बार निकाल के देख लेना अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो न्यूनतम तरंग धैर्य के लिए n1 = 4 रहेगा, n2 = ∞। तो फॉर्मूला है 1/λ = r, 1/(n1)²-1/(n2)²। अब n1 का मान भी हमारे पास है और n2 का मान भी हमारे पास है, तो रख देते हैं यहां पर 1/λ = r, 1/(n1), n1 का मान है 4 × 4 = 4, ये हो जाएगा ∞² तो 1/λ r/ ये हो गया 16, लेमडा बराबर करोगे तो 16/r, तो ये हो जाएगा 16 × 1/r का मान है 912, इसका आ जाएगा 14592 एंगस्ट्रोम के लगभग में इसका आंसर आ जाएगा। यह है मिनिमम तरंग धैर्य इसकी। अब देखना जो लास्ट श्रेणी है अपनी वो पांचवी श्रेणी है, लाइमन हो गया, बामर, पासल, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी है 5 नंबर। फुंड श्रेणी यानी कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवी ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। तो n1 = 5
और एन टू बराबर 6, 7, 8 आगे तक। अब अधिकतम तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे, अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए आपको पता ही है एन वन बराबर रख देंगे 5, एन टू बराबर रख देंगे 6। फॉर्मूला होता है 1/λ = r, 1/N1 की स्क्वायर माइनस N2 की स्क्वायर। अब 1/λ ये हो गया r, 1/N1 यानी कि इसकी स्क्वायर हो गई 25 और N2 की स्क्वायर ये हो गया 36। अब देखना आगे, 1/λ ये हो गया r, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा 900, ऊपर देखना कितना बचेगा 36 माइनस 25, तो 1/λ बराबर करोगे तो जाएगा 11r/900। अगर आप लेमडा बराबर करोगे तो ये 900/11r या फिर 900/11 इंटू में 1/r का मान हमें पता है 912, तो इसको आप सरल करोगे तो आएगा 74,618 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी अधिकतम तरंग दैर्ध्य आ गई है। तो देखना जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य अपने आ गई है 74,618 एंगस्ट्रॉम। अब है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना। तो देखना न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए क्या करेंगे, N1 का मान तो 5 ही रहेगा, N2 का मान इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला हमें पता है 1/λ = r, 1/N1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर। तो 1/λ = r, ये 1/N1 की स्क्वायर यानी कि 25 की, 5 की स्क्वायर 25, ये 0 हो ही जाएगा। तो 1/λ बराबर r बटे आ गया 25 और लेमडा बराबर करोगे 25/r और 1/r का मान हमें पता ही है, तो लेमडा बराबर 25 × 912। अगर आप इसे गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 22,800 एंगस्ट्रॉम। आप देखना आपको दिखाई दे रहा होगा, पता ही चल रहा है, अधिकतम है ये 74,618 या ही है 22,800। इस प्रकार से पांचों श्रेणियां हमने कर ली है। देखना आराम से याद रख सकते हो, लाइमन एक नंबर, नंबरों से याद रखना, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फुंड, यानी कि लाइमन एक नंबर पे आती है, बामर आती है 2 नंबर पे, पासन 3 नंबर पे, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट 4 नंबर पे और 5 नंबर पे आती है फुंड। और जो इसकी तरंग दैर्ध्य है अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ये देखना इस प्रकार से आएगी, थोड़ा बहुत इसमें पॉइंटों में हो भी सकता है, लेकिन ये जो आप अगर 912 लेके करोगे तो ये तरंग दैर्ध्य आएगी। अगर जो रिडबर्ग नियतांक 1.097×10^7 लेके करोगे तो इसमें थोड़ा बहुत है वो चेंज भी हो सकता है। इसलिए ये टॉपिक अपना ये पूरा हो चुका है, अभी कल दूसरा टॉपिक करेंगे।